खीजरसराय में अवस्थित जज्बा वर्ल्ड स्कूल पूरी तरह सज धज कर आकर्षण का केंद्र बना था। मौका था जज्बा वर्ल्ड स्कूल के तीसरे वार्षिक महोत्सव का। जज्बा वर्ल्ड स्कूल का तीसरा वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महोत्सव का उद्घाटन पूर्व डीजीपी डॉक्टर करुणा सागर, डायरेक्टर संतोष शर्मा, प्रखर समाज सेवी राजकिशोर शर्मा सहित अन्य गणमान्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जज्बा वर्ल्ड स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा एक से बढ़कर एक गीत संगीत एवं नृत्य से माहौल को मंत्र मुक्त कर दिया गया। बच्चों के द्वारा प्रस्तुत स्वागत गान सरस्वती वंदना देखकर मौजूद तमाम लोग भाव विभोर हो गए। इस मौके पर विद्यालय के डायरेक्टर संतोष शर्मा द्वारा आए अतिथियों को बूके एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ पूर्व डीजीपी डॉक्टर करुणा सागर द्वारा डायरेक्टर संतोष शर्मा को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर करुणा सागर ने जज्बा वर्ल्ड स्कूल के तीसरे वार्षिकोत्सव पर अपनी शुभकामनाएं दी एवं डायरेक्टर संतोष शर्मा के जज्बात की प्रशंसा की। साथ ही साथ यहां के बच्चों की तारीफ करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर यहां के बच्चे काफी टैलेंटेड हैं, अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं और इसका सारा श्रेय जज्बा वर्ल्ड स्कूल के डायरेक्टर संतोष शर्मा को जाता है, जिन्होंने कृत संकल्पित होकर इस इलाके में शिक्षा का एक शानदार मंदिर बनाया है जो जज्बा वर्ल्ड स्कूल के नाम से प्रख्यात है। वहीं इस मौके पर जज्बा वर्ल्ड स्कूल के डायरेक्टर संतोष शर्मा ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि बड़े बड़े लोगों के बच्चे तो दूर दूर इधर उधर अच्छी शिक्षा हासिल कर लेते हैं, लेकिन इस इलाके के बच्चे बेहतर शिक्षा ग्रहण करने कहां कहां जाते। इसलिए मैंने विभिन्न प्रदेशों से शानदार शिक्षकों की उपलब्धता के साथ जज्बा वर्ल्ड स्कूल की स्थापना की, जो निश्चित तौर पर काफी सफल है। आज के समय में इस इलाके के बच्चे जज्बा वर्ल्ड स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर अपनी खास पहचान बना रहे हैं और निश्चित तौर पर ये बच्चे भविष्य में देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। माहौल काफी खुशनुमा था। जज्बा वर्ल्ड स्कूल के छात्र छात्राओं का टैलेंट देखते बन रहा था। बच्चों ने अपनी प्रतिभा से जज्बा वर्ल्ड स्कूल के तीसरे वर्ष गांठ में चार चांद लगा दिया। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। जज्बा स्कूल का तीसरा एनुअल कल्चरल नाइट है और ये स्कूल की खासियत है कि यहाँ सिर्फ इतना स्पोर्ट्स डे और एनुअल डे के अलावा एक कल्चरल नाइट भी मनाया जाता है बच्चों के लिए, जिसमें कि बच्चे भी होते हैं, बच्चे ही ऑर्गेनाइज करते हैं, वही परफॉर्म करते हैं और शिक्षक और जो पेरेंट्स हैं माता पिता वो सब आकर इसका आनंद उठाते हैं। और इस साल के कल्चरल नाइट का थीम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो मैं जो चेयरमैन संतोष शर्मा हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ इतना बढ़िया थीम सोचने के लिए, क्योंकि आज जिस तरह के माहौल में हम सब हैं वहाँ पर बच्चों को ये याद दिलाना कि इस देश में यूनिटी डाइवर्सिटी दोनों साथ साथ है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारी संस्कृति को मजबूत करेगा, हमारे देश को मजबूत करेगा, हमारे जनतंत्र को मजबूत करेगा। और उसकी नींव इस जज्बा स्कूल में इस प्रोग्राम के द्वारा डाली गई है। इसके लिए मैं चेयरमैन को, यहाँ के स्टाफ को, यहाँ के सारे बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। बच्चों के जो है कला का प्रदर्शन आप देख रहे थे सर, देखने के बाद क्या महसूस किए? मैंने जैसे ही पहला प्रोग्राम ख़त्म हुआ संतोष जी से ही पूछा कि बच्चों ने कितने दिन प्रैक्टिस किए हैं, क्योंकि इतना बढ़िया, इतना कलरफुल कॉस्ट्यूम और सबका टाइमिंग परफेक्ट था, कोई बच्चा कहीं मिस नहीं कर रहा था। आपने देखा होगा कि ये प्रोग्राम को भी कंडक्ट बच्चे खुद कर रहे हैं, हिंदी में भी कर रहे हैं, इंग्लिश में भी कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, बच्चियां भी कर रही हैं। तो ये सब कुछ, ये सारा कुछ बच्चों के द्वारा किया गया है और ये
खास बात है यहाँ 15 में इसको ओपन किया है और उस हिसाब से 3 साल हमारे कोरोना ने खाए, बाकी हम लोग 24 में पहुँच गए। बहुत ही बेहतरीन। मैं अभी DGP साहब को बता रहा था कि मैं अपने जॉब सेटिस्फैक्शन से संतुष्ट हूँ। मुझे यहाँ, मैं आर्मी में था, वहाँ से आने के बाद मैंने इस काम को शुरू किया और मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। अपने सामने अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देखता हूँ, हर दिन उनके साथ बच्चा बना हुआ होता हूँ और जितना बेहतरीन इनका प्रोग्राम में आपने देखा कि कितनी अच्छी इनकी फ्लुएंसी है। ये नाम के अनुकूल ही जज्बा वर्ल्ड स्कूल ग्रो कर रहा है। सर, खिजरसराय में 2015 में इस तरीके के इतने बड़े स्कूल खोलने के पीछे रीजन क्या रहा था? क्या आपको लगा था कि बहुत बड़ा चैलेंज को आप जो है ये कर रहे हैं? मुझे ये लगा था। मेरा बेटा पढ़ता था टॉरियन वर्ल्ड स्कूल रांची में, उस स्कूल को मैंने देखा, दैट इज़ इन 75 एकर्स। तो मुझे लगा कि इतना बढ़िया स्कूल, मैं अपने सक्षम हूँ, मेरा पुत्र तो यहाँ पढ़ लेगा, लेकिन वहाँ जो लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है। उसी दिन मैंने संकल्प किया था कि एक ऐसा ही स्कूल मैं अपने क्षेत्र में निमचक थाने अनुमंडल में एक बहुत बेहतरीन टॉरियन वर्ल्ड स्कूल जैसा जज्बा वर्ल्ड स्कूल खड़ा करूँगा। सर, ये सक्षम हुआ मैं उसमें और मैं इसमें पास हूँ। PG तक मैंने ले जाना है, यही मेरा सपना है। और बच्चे जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डेवलप कर सके, मैं इसको OLQ के हिसाब से चलता हूँ। बच्चों के अंदर OLQ ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी डेवलप करने का सारा सक्षम प्रयास मैं अपने पूरे टीम द्वारा यहाँ करवाता हूँ। मैंने टीचर्स को यहाँ बुलाया है, मैं बच्चों को यहाँ पे कर्नाटक नहीं भेज सकता, बेंगलोर नहीं भेज सकता, यहाँ के पेरेंट्स वहाँ नहीं भेज सकते, तो वहाँ से मैंने टीचर को ले आया। शिलोंग से मैंने टीचर्स को ले आया, कालिम्पोंग से ले आया, दार्जिलिंग से ले आया, हरियाणा से ले आया। तो हर जगह से मैं टीचर्स को ला करके, जहाँ हमारे बच्चे नहीं जा सकते वहाँ से मैंने टीचर्स को ला करके उनके डोर टू डोर पे ये एजुकेशन देने का व्यवस्था करी है। इसमें मैं सफल हूँ और बहुत ही संतुष्ट हूँ।